एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी अबाउट एन एक्सिस नॉट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास. मतलब इन शॉर्ट, अगर कोई बॉडी घूम रही है, अगर कोई बॉडी खड़ी खड़ी घूम रही है, एक्सिस कहाँ से पास कर रहा है? इसके सेंटर ऑफ मास से. और मैंने तुम्हें ये पूछ लिया इसका एंगुलर मोमेंटम कितना है, तो तुमने बोला एल इज इक्वल टू आई ओमेगा आंसर. और पिछले दो लेक्चर से मैंने बॉडी को रोल नहीं करवाया, तुमने देखा होगा बीच बीच में से क्वेश्चन छोड़ता गया, और मैंने बोला भी इसे छोड़ दो अभी, रहने दो, होगा नहीं, होगा नहीं, क्योंकि मैंने देख लिया था वो बॉडी खड़ी खड़ी नहीं घूम रही थी, वो बॉडी क्या कर रही थी? रोल. तो खड़ी खड़ी घूमने में तो प्रॉब्लम ही नहीं है, आई इंटू ओमेगा करो आंसर. अब बॉडी क्या कर रही है? रोल. और जब बॉडी रोल करती है, सेंटर ऑफ मास आगे भी चलता है और इसके आसपास पार्टिकल्स घूमते भी हैं. अब नेट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? नेट एंगुलर मोमेंटम होगा एक एंगुलर मोमेंटम बिकॉज ऑफ सेंटर ऑफ मास, जिसका फॉर्मूला है आई इंटू ओमेगा. आई ओमेगा तो होगा ही होगा, पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आपको मान लो एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट निकालना ही नहीं है, आपको तो इसके अबाउट निकालना है. वो ये कौन सा पॉइंट है? बॉडी के बाहर है और ये बॉडी क्या करती जा रही है? रोल करती करती आगे जाती जा रही है. तो अगर रोल कर रही है तो सेंटर ऑफ मास किसमें है? इन ट्रांसलेशन मोशन. सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट, क्योंकि रोलिंग में ट्रांसलेशन मोशन भी एक्स्ट्रा आ जाता है. तो घूमने का मोशन आई ओमेगा, वो तो कर लिया, ट्रांसलेशन तो किया नहीं. तो ट्रांसलेशन मोशन से लीनियर मोमेंटम एम वी सेंटर ऑफ मास है, और इसका जो डिस्टेंस है यहां से एंगुलर मोमेंटम निकालने, तो मान लेते हैं ये आर वेक्टर है, तो आर क्रॉस एम वी करेंगे, ये टर्म एक्स्ट्रा आपको इसमें ऐड करनी पड़ेगी. तो मतलब ये जो इसकी वैल्यू आई ओमेगा है, आई ओमेगा है, और ये कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है? रोटेशन का. ये कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है? ट्रांसलेशन मोशन के. अगर बॉडी ट्रांसलेट नहीं करती, खड़ी खड़ी घूमती है, तो वी सेंटर ऑफ मास क्या हो जाता है? जीरो. आपका आंसर वापस से आई ओमेगा. लेकिन अगर घूमती भी है और रोल करती हुई आगे भी जाती है, तो आई ओमेगा तो होगा होगा, साथ में एम वी आर भी होगा. इस पूरी कहानी को ऐसे थ्योरी में समझ में नहीं आएगा. आप इस एग्जाम्पल को देखें, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. ये लो, इमेजिन करो ये कोई भी एक बॉडी है, और ये बॉडी क्या कर रही है? ये रोल कर रही है. रोल का मतलब ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, और ये मोमेंटम है सेंटर ऑफ मास का, राइट? ध्यान से आंसर देखना, क्या करना है इसमें. इमेजिन करो एक पॉइंट है क्यू, एक पॉइंट है पी, और एक यहां ले लेते हैं पी, चलो एक पॉइंट है पी और एक पॉइंट है एस, और ये बॉडी रोटेट कर रही है विद ओमेगा इस एक्सिस के अबाउट. पहला रूल, आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है पी पॉइंट के अबाउट क्या होगा, मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन छोड़ो. बोलो बॉडी घूम रही है, रोटेट कर रही है, और बॉडी का मोमेंट एनर्जी अगर आई है, तो आई ओमेगा तो होगा ही होगा. अब ट्रांसलेट कर रही है, ट्रांसलेशन का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा? लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस. तो इसके अंदर क्या ऐड करना पड़ेगा? एम वी आर. तो पी पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम में दो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, एक रोटेशनल मोशन आई ओमेगा और एक ट्रांसलेशन मोशन एम वी आर. अब अगर मैं क्यू पॉइंट की बात करता हूं, तो क्यू पॉइंट में आई ओमेगा तो होगा ही होगा, एम वी आर होगा कि नहीं होगा? कॉन्ट्रीब्यूट करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि लीनियर मोमेंटम यहां पर है और ये पॉइंट भी इसी एक्सिस पे है, तो ये ट्रांसलेशन का एंगुलर मोमेंटम इसमें कॉन्ट्रीब्यूट नहीं होगा, क्योंकि एम वी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ से आएगा ही नहीं, सॉरी क्यू से आएगा ही नहीं, सही है. लेकिन अगर मैं एस की बात करता हूं, तो एंगुलर मोमेंटम एस के अबाउट बोलो आई ओमेगा तो होगा ही होगा. आगे एम वी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे कितना है एस का? आर. एम वी इंटू आर, एड करूं कि सब्ट्रैक्ट करूं? लो आंसर है सब्ट्रैक्ट करो. ये मुझे कैसे पता लग रहा है ऐड या सब्ट्रैक्ट करने, पता लग गया? देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है, ये तो सबको पता लग गया, आई ओमेगा तो होगा ही होगा, एम वी आर ट्रांसलेशन होगा कि नहीं होगा ये भी पता लग गया. एडिशन सब्ट्रैक्शन आई कैप जे कैप कैसे पता लगेगा? आप ये बताओ अगर बॉडी ऐसे घूम रही है तो आई ओमेगा कैसे है? ऐसे.
तो एल वेक्टर कहाँ है? बोर्ड के इनसाइड। तो एल वेक्टर तो हमेशा बोर्ड के इनसाइड है, तो मैं लिख भी देता हूँ एल वेक्टर इनसाइड है, ये एल वेक्टर भी इनसाइड है, ये एल वेक्टर भी इनसाइड है, खत्म। अब ये बताओ जब मैंने पॉइंट पी लिया था, पी पी लिया और ये एम वी वैक्टर है, एक काम करते हैं एक ऐसी वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं पी वेक्टर से जो आर वेक्टर है। तो पी पॉइंट से एक लाइन ज्वाइन की आर वेक्टर की, इस पी पॉइंट का ट्रांसलेशन का एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन कैसे निकलती है? आर क्रॉस पी, ये रहा आर वेक्टर, ये रहा पी वेक्टर, आर क्रॉस पी कैसे जाएगा? थंब बोर्ड के इनसाइड। और अगर बोर्ड के इनसाइड जाएगा तो ये दोनों इन और इन आपस में क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। लेकिन जब आप एस पॉइंट लेते हैं तो आर वेक्टर इस तरफ जाएगा, एस पॉइंट से ऐसे जाएगा। अब देखो आर क्रॉस पी थंब कहाँ आ रहा है? बोर्ड के बाहर। बोर्ड के बाहर आ रहा है तो क्या करना पड़ा? सब्ट्रैक्शन, क्योंकि एक इन है और एक आउट, तो दो वेक्टर एक इन एक आउट आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, इन और इन आपस में ऐड होंगे, आउट और आउट भी आपस में ऐड होंगे। समझ में आ रहा है कि कैसे चेक करना है? और यही तो उसने क्वेश्चन दिया हुआ था मेंस के अंदर, वो जो थंब से कर रहे थे कभी इधर आर क्रॉस पी भी चेक कर रहे थे। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? इसको यूज़ करूँगा न्यूमेरिकल में तब समझ में आएगा, पर आइडिया समझ में आ गया कि क्या करना होता है इसमें। रोलिंग के अंदर आई ओमेगा भी होता है और एम वी आर भी होता है, सिंपल है।